ओके स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ऑन पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक। आपकी बुक के पेज नंबर 3 पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मौजूद है स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट पार्ट इज़ एवरी न्यूरॉन हैव सेवरल इनपुट्स। हर न्यूरॉन के पास बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, यानी कि वो जगहें जहाँ से इन्फॉर्मेशन अंदर लाई जाए बॉडी के अंदर, यानी कि न्यूरॉन के अंदर इन्फॉर्मेशन लाते हैं, तो उस पार्ट को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इज़ अ पार्ट जिसमें आप इनपुट करते हैं अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन। नंबर 2 इज़ सेल बॉडी। सेल बॉडी कंसिस्ट करती है न्यूक्लियस पे एंड साइटोप्लाज्म पे। न्यूक्लियस आप सबको पता है कि पावर हाउस यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है, मेन पार्ट होता है सेल का। एंड साइटोप्लाज्म इज़ अ लिक्विड। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जो आपके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सेल की बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 3 इज़ एक्सॉन। एक्सॉन जो है ये पार्ट, पूरी जो शीट आपको नज़र आ रही है, जो आपको नज़र आ रही है लाइन आती हुई सेल बॉडी से लेकर स्टार्ट होकर और नेक्स्ट न्यूरॉन तक, ये कहलाती है, ये पार्ट कहलाता है एक्सॉन। फैटी शीट्स होती हैं इसके अंदर। सेल बॉडी यानी कि आपको दूसरा न्यूरॉन नज़र आ रहा है, और दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान यानी दोनों नर्व सेल्स के दरमियान ये जो छोटा सा आपको एक गैप नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इस गैप को कहते हैं साइनेप्स। ये गैप होता है यानी दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट नहीं होते, बिल्कुल ज्वाइन नहीं होते, बल्कि इनमें स्लाइटली सा गैप होता है। अब बात करते हैं डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द सेल बॉडी। यानी डेंड्राइट्स जो हैं दूसरे न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं, रिसीव करते हैं एंड इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, उस फॉर्म में लाइक आप देखते हैं करंट पास होता है तो अर्थ आता है, यानी उस फॉर्म के में ट्रांसमिट करते हैं, चेंज करते हैं, और वो ट्रांसमिट होके कहाँ आती है? आपकी सेल बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर, यानी न्यूरॉन की सेल बॉडी जो है इसके अंदर वो आ जाती है। अंदर आने के बाद क्या होता है? सेल बॉडी इज़ द मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सेल। सेल का जो मेन यूनिट है वो आपकी सेल बॉडी है, जहाँ तमाम इन्फॉर्मेशन जो इनपुट होकर अंदर आई है वो प्रोसेस की जाती है, यानी वो देखी जाती है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है, उसे समझा जाता है। नाउ नंबर 3 पार्ट इज एक्सॉन। अ सिंगल ब्रांच विच कंडक्ट नर्वस इम्पल्सिस अवे फ्रॉम सेल। ये एक सिंगल ब्रांच होती है, एक सिंगल रॉड होती है, एक सिंगल ब्रांच बनी हुई, एक सिंगल शाख है, जो क्या करती है? इस नर्व इम्पल्स को यानी कि जो मैसेजेस हैं जो आपके सेल बॉडी के अंदर हैं, इसको यहाँ से लेकर और दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाने का काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक छोटा सा स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का, और इसी तरह एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और ये न्यूरॉन की पूरी चेन बनती चली जाती है। और आपका जो भी मैसेजेस होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो मैसेज आपके आइस से गया है, तो आइस से लेके ब्रेन तक जाने में इसी तरह न्यूरॉन ने वर्क करना है, और फिर ब्रेन से जो वापस आएगा आंसर वो भी इसी तरह न्यूरॉन टू न्यूरॉन कन्वर्ट होता हुआ, आपकी वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होती हुई आपको आंसर की फॉर्म में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं और पेरीफेरल के कितने पार्ट्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जिसपे वो कंसिस्ट करता है यानी मुश्तमिल होता है, वो होता है नर्व्स। अब हमने पढ़ा, तो उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो हैं वो तीनों जो हैं किससे मिलकर बनी है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन इज़ अ सेल। न्यूरॉन जो है वो सेल है नर्वस सिस्टम का, सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली चीज़। अब आके बात करते हैं कि नर्व्स कितने टाइप्स की होती हैं। नर्व्स आर इन योर बॉडी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स। आपकी बॉडी में टू टाइप्स की नर्व हैं, नंबर 1 सेंसरी नर्व, नंबर 2 मोटर नर्व्स। ठीक है, दो टाइप की नर्व्स हैं, एक है सेंसरी नर्व्स, एक है मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं? सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो कैरी करती हैं मैसेजेस आपके सेंस ऑर्गन से, और सेंस ऑर्गन्स तक रिप्लाई भी पहुँचाती हैं ब्रेन का। यानी वो नर्व्स कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द स्किन एंड अदर सेंस ऑर्गन। आपके सेंस ऑर्गन कौन से हैं? वो चीज़ जो आपको सेंस दे, जो आपको कोई समझ दे रहा हो, लाइक आइज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। ये 5 आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब कलेक्ट करना और मैसेजेस की फॉर्म में ब्रेन तक पहुँचाना, और ब्रेन से उसका रिप्लाई लाने का काम होता है सेंसरी नर्व्स का। मोटर नर्व्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं, राबता कर रही होती हैं मसल्स के साथ। मोटर नर्व्स का जो ताल्लुक होता है वो होता है मसल्स के साथ, कि कब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है यानी कि कब उन्हें सुकड़ना है, कब उन्हें रिलैक्स फील करना है, कब उन्हें आराम करके बिल्कुल फैल जाना है, यानी मसल्स ने कब किस तरह वर्क करना है और किस तरह आपकी बॉडी को मूव करवाना है। ये सारा जो भी मैसेजेस का काम होता है इनको, इनसे ले जाने का और इन तक वापस लाने का, ये सब करती हैं आपकी मोटर नर्व्स।
अब सेंसरी नर्व्स या मोटर नर्व्स जो काम करती हैं, आपकी बॉडी में दो टाइप की नर्व्स हैं, तो जाहिर सी बात है जब हमने ये पढ़ा कि नर्व्स के अंदर न्यूरॉन मौजूद है यानी सेल मौजूद है, तो ये जो दो नर्व्स हैं इन दोनों के अंदर भी सेल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर आके हम बात करते हैं कि जो न्यूरॉन हमने पढ़ा इसका भी टू टाइप्स होती हैं। न्यूरॉन मज़ीद टू टाइप्स का होता है, यानी कि न्यूरॉन्स आर टू टाइप्स, नंबर वन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड नंबर टू मोटर न्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो सेंसरी नर्व्स के अंदर होता है और जो मोटर न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन्स के अंदर होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है स्टूडेंट, सेंसरी न्यूरॉन्स आर नर्व सेल विद इन द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट इनटू इंटरनल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार के इर्द गिर्द होने वाली जो भी कैफियत है, यानी उसकी बॉडी से बाहर होने वाला जो भी काम है, जो भी स्टिम्यूलाई है, उसको आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करके और आपके ब्रेन तक वो मैसेज पहुँचाने का काम कौन करता है, सेंसरी न्यूरोन यानी सेंसरी नर्व्स करती हैं। और जितना भी आपकी बॉडी से बाहर होने वाला काम है वो सब आपका कौन करते हैं, सेंस ऑर्गन्स करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सेंसरी नर्व्स जो हैं वो किसके साथ कम्युनिकेट करती हैं, सेंस ऑर्गन्स के साथ। और सेंसरी नर्व्स के अंदर क्या मौजूद है, सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन उनके अंदर इनपुट की जा रही होती है उसे उनकी सेल बॉडी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, यानी कि उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जो हमारी बॉडी फॉलो करती है। हमारी बॉडी कोई मैसेजेस राइट डाउन करके हम ABCD अलिफ बे की फॉर्म में नहीं देते, बल्कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में केमिकल फॉर्म में जा रहा होता है। तो वो फॉर्म जो है हमारी बॉडी जो फॉलो करती है, तो उसको मैसेजेस जो हम पहुंचाते हैं वो मैसेजेस वो जब चेंज करती है अपनी फॉर्म में, और फिर वो मैसेजेस ब्रेन तक पहुंचाने का काम और ब्रेन से उसका रिप्लाई लाने का काम, ये सारा काम करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो मौजूद होते हैं आपकी सेंसरी नर्व्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपने पढ़ा कि सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इसी तरह अब हम बात करते हैं मोटर नर्व की। मोटर नर्व्स आप सबको मैंने बताया कि किससे कम्युनिकेट करती हैं, बॉडी के मसल्स से। अब बात आती है इसके अंदर जो मौजूद हैं, जो सेल्स मौजूद हैं, उन्हें हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन इज अ न्यूरॉन हुज सेल बॉडी इज लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड हुज एक्सॉन्स प्रोजेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड और आउटसाइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। यानी कि जो मोटर न्यूरॉन्स है इसका ताल्लुक आपके मसल्स से होता है और मसल्स का ताल्लुक आपके स्पाइनल कॉर्ड से है। मसल्स की जितनी भी फंक्शनिंग है इसको सबको जो है कंट्रोल करना या इसको जो भी इसकी देखभाल है वो कौन करता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसीलिए जो मोटर न्यूरॉन है ये एक किस्म का ऐसा न्यूरॉन है जिसकी सेल बॉडी यानी जिसका जो सेल है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोकेटेड होता है, और जिसका एक्सॉन यानी जो वो पार्ट जो आपने देखा था एक सिंगल ब्रांच जो आ रही होती है न्यूरॉन की, वो होती है या तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है, स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंड करती है, या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर होता है और मसल्स को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो मोटर नर्व्स हैं वो मसल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, तो ये मसल्स जो का जितना भी फंक्शनिंग का ताल्लुक है ये स्पाइनल कॉर्ड से होता है, और स्पाइनल कॉर्ड से जब ताल्लुक होता है तो मोटर न्यूरॉन्स भी वहीं पे प्रेजेंट होते हैं आपकी नर्व्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे आराम से आसानी पूछ सकते हैं मैसेजेस के थ्रू या कॉल करके। अब आपने ये सुननी है और देन इसके बाद जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है आपने वो करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।